कबाब तो कहीं नहीं बनते, कहीं नहीं बनते। आपके दोस्त है, आपका भाई बनाता है बस खाली। उसका प्राइस क्या है? उसका भी 50 रुपीज़ है। उसका भी 50 रुपीज़ है। मछली का प्राइस मछली का 50 रुपीज़ है। और गाइस आप देख सकते हैं फिश के कबाब भी यहाँ पर अवेलेबल है। शॉप के अंदर ही इनकी भट्टी है जिसके अंदर ही अपने कबाब लगाते हैं, और इतना बड़ा साइज आपको कहीं नहीं मिलने का। एक प्लेट दो प्लेट ये देखिए गाइस, मक्खन जा रहा है इसके अंदर। मक्खन आपको प्योर अमूल का मिलेगा। ये कुरेशी कबाब के बटर वाले कबाब हैं, और कुरेशी कबाब के ऑनर हैं हमारे साथ में। तो लीजिए जनाब, मास्क हमने उतार दिया है और ग्लव्स उतार के साइड कर दिए हैं, और अब बारी है कुरेशी कबाब को टेस्ट करके बताने की कि इतना लजीज और इतना टेस्टी है भी या नहीं, वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा। और ये जो हमने आपको दिखाया था, ये रुमाली रोटी है इनकी। इतनी मुलायम, इतनी सॉफ्ट रुमाली रोटी कहीं नहीं मिलेगी आपको। और सबसे ज़्यादा मैंने बात की थी फ़िश के कबाब की, ये फ़िश का कबाब है। आज मैं लाइफ में पहली बार खा रहा हूँ, मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा इस बात को कि हम लोग वीडियो बना रहे हैं, शूट कर रहे हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आज फर्स्ट टाइम मैंने फ़िश का कबाब टेस्ट कर रहा हूँ, और चटनी के साथ इसको टेस्ट करते हैं हम। गाइज, शामी कबाब भी इसके सामने कुछ नहीं है। कुरेशी कबाब का जो नाम है वो ऐसे नहीं है, इतने बड़े बड़े अवार्ड मिले हैं इनको, और क्राउड इतना हो जाता है कि टाइम नहीं मिल पाता। आज रात के 12 बजे हम लोग शूट करने के लिए आए, वो वजह यही थी कि हम फुर्सत से आराम से कर लें इसको शूट। जनाब, ये साइज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, इतना बड़ा साइज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा, और प्राइस बहुत ही मुनासिब प्राइस है। 50 रुपये का इनका प्राइस है। ये आप बटर की ग्रेवी देख सकते हैं, प्लस बटर की ग्रेवी आती है, मसाला डला हुआ है। जो लोग डाइट पे रहते हैं वो विदाउट ग्रेवी इसको ले सकते हैं। 0% का फैट है इसके अंदर, क्योंकि ये जो इनकी भट्टी होती है उस पर सिकाई होती है इसकी, जिसमें 0% की कैलरीज होती है। प्रोटीन आपको पूरे मिल जाएंगे। और मैं उन सब्सक्राइबर के लिए बोलना चाहूँगा
कि फ़िश के कबाब खाने आप ज़रूर आएंगे यहाँ पर, फ़िश के कबाब आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो अब जनाब ये तो मेरे से इतना नहीं हो पाएगा, अपनी यूनिट को बोलूँगा कि आप इसको फिनिश करें, और काफ़ी उम्दा व लजीज इसका टेस्ट रहा है। और लीजिए जनाब फिर नहीं इनकी हाजिर है, ये स्पेशल स्वीट डिश के अंदर है कुरेशी खीर। कुरेशी साहब ये बताएं इसके प्राइस क्या होगा? इसका 30 रुपीज़ का प्राइस है। जनाब अभी हमने एक शूट किया था, इससे भी कम क्वांटिटी के अंदर खीर थी और उसका प्राइस 50 रुपये का था। वही बात है, तो जनाब देख सकते हैं आप क्वांटिटी में भी ज़्यादा है और बादाम पीस के डाले हुए हैं इसके ऊपर। जो इसकी पकाई है वो दूध को काफ़ी पका करके इसको बनाया गया है। इसका कलर देख सकते हैं गोल्डन हो गया है, जब दूध को ज़्यादा पकाया जाता है तभी वो गोल्डन होता है, और इसमें लागत भी बहुत लगती है। मेरे हिसाब से 30 रुपये का तो इसमें लागत ही लगी हुई है। अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर भी, ताकि आपके फैमिली को फ्रेंड को ये पता चल सके कि जामा मस्जिद पर कुरेशी कबाब है। कुरेशी कबाब को तो सभी जानते हैं, ये पता चल सके कि फ़िश कबाब है, फ़िश कबाब मिलते हैं यहाँ पर। और इनकी फिरनी है, लोग कमी से जानते होंगे, इनकी फिरनी जो जिसकी लागत ही 30 रुपये की है वो 30 रुपये के प्राइस में आपको मिल रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कुरेशी कबाब के ऑनर, उनसे बात करेंगे और जानकारी लेंगे कि कितना टाइम हो गया है, और प्राइस पे भी लेकर बात करेंगे उनसे। जनाब क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इरशाद कुरेशी है, प्यार से सब लोग गुड्डू कहते हैं। गुड्डू भाई ये बताइए कि कितना टाइम हो गया इसको? हमारा काम स्टार्ट हुए हुए कबाब होगा जो है 50 साल तो यहीं पर हो गए हैं, और दादा परदादा के टाइम से तो काफ़ी साल पुराना है। अच्छा मतलब फैमिली बिजनेस है आपका? खानदानी काम हमारा है। अच्छा खानदानी काम? जी, काफ़ी टाइम से पुराना काम है। पहले दादा थे, फिर वालिद साहब फादर करते थे काम। अच्छा दादा के भी परदादा? जी, वो करते थे, फिर हम मतलब हमारा खानदानी काम यही है। और ये हम देख रहे हैं आपके पीछे कि काफ़ी अवार्ड वगैरह आपको मिले हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि मैगजीन से भी इनको अवार्ड मिला हुआ है और उर्दू पेपर से भी अवार्ड मिला है यहाँ पर, और माशाल्लाह काफ़ी अवार्ड हैं। तो जनाब कैसा लगता है कि जब आपको अवार्ड दिया जाता है फूड के ऊपर? ऐसा बहुत ही कभी जगह से होता है कि दिल्ली के अंदर इतने सारे खाने खजाने हैं और उनमें से चुनिंदा लोगों को अवार्ड दिया जाता है, दिली खुशी होती है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें नवाजा इस चीज़ से, वो बहुत अच्छा लगता है माशाल्लाह से। अच्छा क्या प्राइस क्या है इसका, कितने का आपका एक कबाब है? ज़्यादा महंगा नहीं है, हम चाहते हैं कि हर आदमी खा ले, जिसका मन करे वो खा ले। बहुत सी चीज़ें होती हैं लोग महंगा बेचते हैं लेकिन वो हर आदमी नहीं खा सकता, हम चाहते हैं चीज़ अच्छी भी हो और सस्ती हो, हर आदमी खाए और अच्छे से भी खाए। अच्छा चिकन का और मटन का आप हमें प्राइस बताइए। चिकन का 50 रुपीज़ है और मटन का भी 50 रुपीज़ है। और अभी हमने सुना है कि कुछ लोगों ने हमें बताया कि मछली के कबाब आज तक नहीं बने हैं कहीं पर, और आपने उसको ईजाद किया? जी मैंने खुद अपने हाथ से बनाया, वो मसाला वसाला डाल के, मतलब काफ़ी टाइम से लगा हुआ। मछली के कबाब तो कहीं नहीं बनते? कहीं नहीं बनते, आपकी दोस्त है, आपका भाई बनाता है बस खाली। तो उसका प्राइस क्या है? उसका भी 50 रुपीज़ है। उसका भी 50 रुपीज़ है मछली का? जी गाइज मछली का 50 रुपीज़ है, आप यकीन नहीं कर सकते कि विंटर के टाइम पर मछली के कबाब मिलना कितना मुश्किल होते हैं, बनते ही नहीं है कहीं पर। और बनाते हैं सिर्फ सीजनली बनाते हैं खाली, विंटर में आपको सर्दी आपको मछली के कबाब मिलेंगे, और प्राइस उसका बहुत ही मुनासिब है, 50 रुपये का प्राइस है उसका। आप मटन के भी कबाब ले सकते हैं, चिकन के भी, और फ़िश के कबाब भी 50 रुपये के ही है। कुछ और मुद्दों पे बात करते हैं, कुछ और जानकारियाँ लेते हैं। जनाब ये आपका आउटलेट अंदर आकर के, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह ये कि बाहर माशाल्लाह से पब्लिक को मतलब खड़े होने की बहुत परेशानी होती थी, तो हमने यहाँ पे सिटिंग अरेंजमेंट करा, फिर यहाँ पे माशाल्लाह से लोग आने लगे, लोग बैठ के पसंद आने लगा, और हम अच्छे से सर्विस देते हैं उनको, अच्छे से बैठ के खिलाते हैं, जैसे हम खुद घर में खाते हैं इस तरीके से, शादियों में खाते हैं इस तरीके से बैठ के खिलाते हैं, तो लोगों को पसंद आने लगा, यहाँ पर वेट करते हैं, लेकिन दूर दूर से लोग आते हैं, खाते हैं, बैठते हैं, और मतलब जब तक कोई अच्छा नहीं कहता तो मज़ा नहीं आता, तो इसलिए हम चाहते हैं लोग कोई ना कोई हमें गुड कह के जाए। मोहब्बत के साथ पेश करते हैं आप। अच्छा कोविड के बाद में लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में कुछ बिज़नेस पे आपके फ़र्क पड़ा? हाँ बिज़नेस तो दुनिया में सबके बिज़नेस फ़र्क पड़ा है, हमारे भी खाने के पे नहीं पड़ता, देखा जाता है कि खाना तो इंसान खाता ही है और लजीज खाना जो होता है वो ज़रूर खाता है।
ऐसा होता है ना सर, जैसे कि इंसान के पास कुछ होगा जब भी तो वो खाएगा बाहर भी, तो उसी हिसाब से लोग अपने बजट के हिसाब से चल रहे हैं, तो सही है, अल्लाह का शुक्र है हिसाब से चल रहा है काम। तो यहाँ पर आपने आउटलेट बनाया हुआ है अंदर, यहाँ बैठने की सिटिंग है, आप जेंट्स हो जनरल में आप लोग आ सकते हैं यहाँ पर, और फैमिली के साथ आना चाहें तो उसके लिए भी साइड में एक सिटिंग बना रखी है। अभी हम लोग लेट हो गए, वरना उसको दिखाते हैं, उसकी सेटिंग दिखाते हैं हम आपको। कुरैशी साहब की जो पीढ़ी है वो दादा ही लाइन चलती हुई आ रही है, और पहले इनके पर दादा ने भी, दादा ने स्टार्ट किया था 100 साल से भी ज़्यादा, यह आप मुझे बता रहे हैं शॉप के बारे में। और अभी जो बात की थी वो उनके छोटे बेटे से, अभी बात करेंगे उनके बड़े ब्रदर से। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अशद कुरैशी। हाँ कुरैशी साहब, ये बताएं कि कितना टाइम हो गया? ये तो हमारे दादा परदादा के टाइम से चलता चला रहा है, हमने भी आपको भी उसी के अंदर आपको पाया। अच्छा, हमारी अभी कोशिश भी जारी है। अच्छा, अभी अभी इनसे भी परदादा ने स्टार्ट किया था, फिर उनके दादा ने स्टार्ट किया और इनके वालिद साहब ने स्टार्ट किया, अभी ये हैं जो बड़े हैं यहाँ पर। और इनके बाद अभी हमने थोड़ी देर पहले जो बात की थी वो इनसे छोटे वाले ब्रदर थे, अब नई पीढ़ी आ चुकी है जो कि इनके भतीजे हैं जिनके हाथ में कुरैशी कबाब है। बात करते हैं उनसे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंजर कुरैशी। ये अंजर कुरैशी हैं, नाम माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है, अंजर नाम। मेरा नाम अजहर है और इसमें एन लगा दिया गया, अंजर हो गया है। अंजर ये बताएं कि आप क्या पढ़ाई करते हैं, क्या करते हैं? एजुकेशन छोड़ दिया आपने? हाँ, 12th तक किया बस। अच्छा, नहीं आगे भी ग्रेजुएशन की है ना? इंशाल्लाह। और अब आप ये बताएं जो आपका फैमिली बिजनेस है उसको कहाँ लेकर जाएंगे? उसे नीचे वाले में तो ये है नई पीढ़ी जो इनके व्यापार को आगे लेकर के चलेगी। और कुरैशी कबाब अब नहीं, काफी टाइम पुराना है और इनके दादा के टाइम से शुरू था, वालिद साहब के हाथ में आया, इनके बड़े भाई के साथ हाथ में आया और छोटे ब्रदर से भी हमने बात की थी। अब ये नई पीढ़ी है और इनकी भी यही ख्वाहिश है कि इसको आगे लेकर के जाया जाए, मेहनत के साथ में, ईमानदारी के साथ में। क्वांटिटी तो आपने देखी थी कि 50 रुपये में आज की डेट में बहुत ही कम चीज़ें आती हैं, और 50 रुपये में आपको फिश का कबाब मिल रहे हैं। गाइस, फिश का कबाब मिल रहा है, मतलब यकीन नहीं हो रहा, अभी भी बार बार यही बात बोल रहा हूँ मैं आपको। और चिकन का कबाब है, मटन है। अभी के लिए दीजिए हमें ज़्यादा जायकों की गले से, तो अल्लाह से स्कूल में मिलाएंगे आपको, मिल सकेंगे खाने के बारे से। शुक्रिया।